मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। मैं यहां सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। माननीय सदस्य बीच में खड़े होने की, आप बोलिए, पहले सुनिए, आपको सुनने के लिए जब टिप्पणी आए, जब आपका बहस में नाम आए तब बोलना, हाँ तब बोलना, मना नहीं है। जब बहस होगी, मैं यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन याद दिलाना चाहूंगी। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की तीन आधारभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, पानी और सड़क। हमने इसमें दो और चीजों को जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इन पांच चीजों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें सर्वसुलभ किया जाए तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसलिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने में एक ही मंत्र गूंज रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम इस मंत्र को लेकर विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बैठे हमने प्रदेश की जनता को बोलेंगे हमने प्रदेश की जनता को दिए अपने आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में LPG सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। हमने जरूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। इस हेतु प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए की गई है। इस योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय होगा। हमारी सरकार आधारभूत संरचना के विकास, दूर दराज के क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार आदि सुविधाओं की पहुंच तथा वंचित वर्गों हेतु अतिरिक्त सहायता, सामाजिक सुरक्षा पर समान रूप से ध्यान देकर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेगी। गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुंदा जैसे कई इलाकों क्षेत्रों के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सड़कों का नेटवर्क रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाता है। सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण में भी क्षेत्रीय भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अतः इस भेदभाव का निदान करने के लिए स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। पिछली सरकार के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान कुप्रबंधन,
एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट की स्थिति बनी रही। ये आपने छोड़ा है हमारे लिए, हम इसको ठीक करेंगे पूरी तरह से। कुप्रबंधन आपका ये हमको मिला है विरासत में, 5 साल का कुप्रबंधन। अरे आपके मंत्री पढ़ रही है भाई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधार कर उन्हें पुनः पटरी पर लाने के उद्देश्य से उदय योजना लाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत बिजली कंपनियों का लगभग 62,400 करोड़ रुपए का ऋण भार सरकार द्वारा अपने ऊपर लेते हुए उन्हें इस भार से मुक्ति दिला दी गई थी। गत सरकार की नीतियों, ऊर्जा विभाग तथा बिजली कंपनियों की कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान में डिस्कॉम्स पर लगभग 88,700 करोड़ रुपए सहित समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया है। वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकीय उत्पादन कंपनी की उत्पादन क्षमता लगभग 8,300 मेगावाट होने के उपरांत भी औसतन 4,800 मेगावाट अर्थात मात्र लगभग 55% क्षमता के साथ उत्पादन हो रहा है। इस कारण प्रदेश में समुचित बिजली उपलब्ध कराने के लिए महंगी बिजली एक्सचेंज से क्रय करनी पड़ रही है। वर्ष 2022-23 में